नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कार्तिक टेक ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ यूट्यूब के रिलेटेड वीडियो है, जो कि आप पीसी स्क्रीन रिकॉर्डर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इसके बारे में नहीं पता है दोस्तों, ठीक है, तो बिल्कुल सही चैनल पे आप लोग आए हैं। तो इस वीडियो में आप कंप्यूटर और स्क्रीन रिकॉर्डर, ठीक है, कंप्यूटर और स्क्रीन रिकॉर्डर को कैसे करेंगे इसके बारे में आप जानिएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर या लैपटॉप में स्क्रीन कैप्चर, ठीक है, स्क्रीन कैप्चर को करने का ऑप्शन नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है, तो आपको किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर के बारे में है जिसकी मदद से आप ना ही केवल आप स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं बल्कि आप ऑनलाइन स्क्रीन भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे जो प्रीमियम जो फीचर्स फ्री में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो जिस सॉफ्टवेयर और पीसी स्क्रीन रिकॉर्ड के बारे में आप जानेंगे तो उसका नाम है OBS स्टूडियो, ठीक है। तो यह एक फ्री है और एक ओपन सोर्स स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डर, ठीक है, सॉफ्टवेयर है। तो आपको इसको क्या है, वीडियो को रिकॉर्डिंग और इसके लाइव स्ट्रीम दोनों ही आप लोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो OBS स्टूडियो जो है आपको कुछ प्लेटफॉर्म जैसे कि विंडो हो गया, मैक्स OS हो गया, लिनक्स हो गया, इसमें इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको पीसी स्क्रीन रिकॉर्ड के तरीके के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों क्या करना होगा कि OBS स्टूडियो वेबसाइट एक सॉफ्टवेयर है, उसको आपको डाउनलोड करना होगा गूगल से, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा, उससे फिर ओपन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जो OBS स्टूडियो में जो सेटिंग में आप लोगों को जाना है, ठीक है। तो चलते हैं पीसी स्क्रीन रिकॉर्ड पे, आपको बताता हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कहाँ जाना है कि आपको सेटिंग में, या मैं ऑलरेडी मैंने OBS इंस्टॉल कर लिया हूँ, डाउनलोड कर लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे सेटिंग में आप चले जाइएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं सेटिंग पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, आपके सामने एक इंटरफेस एक पेज खुलने वाला है, ठीक है। ये देखिए आपका जर्नल का आपका पेज खुल गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे, स्ट्रीम का, आउटपुट का, ऑडियो का, वीडियो का, हॉट कीट्स का हो गया, हॉट्स की हो गया, असेंबली हो गया, एडवांस हो गया। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग जाते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बेस, लिखा हुआ रेजोल्यूशन लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ बेस रेजोल्यूशन है आपका मैक्सिमम आपका 1920 ना लिखा हुआ है, 1080, ठीक है। तो 1080 क्या है कि आपका वीडियो जब फर्स्ट क्लास आपका क्लियर आपका बेसिक रेजोल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो आपको अपने अनुसार आप दे सकते हैं, तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ 1080 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आउटपुट यहाँ पे दिया रेजोल्यूशन आपका दिया हुआ 1080, ठीक है। सेम आपको इसको भी देना है, आप इसमें कम भी आप दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक देखिए लिखा हुआ कॉमन FPS वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। कॉमन FPS वैल्यू में कि यहाँ मैंने 30 ऑलरेडी दिया हुआ है, कि आप अपने तरीके से आप दे सकते हैं, 48 पाल भी दे सकते हैं, ठीक है, FPS दे सकते हैं, 50 APL दे सकते हैं, लेकिन मैं ऑलरेडी मैंने 30 रखा है, ज़्यादा नहीं रखा हुआ हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि आउटपुट, ठीक है, आउटपुट में आप चले जाइएगा। तो आउटपुट में क्या है कि स्ट्रीमिंग में आप जाइएगा तो यहाँ पे लिखिए वीडियो बिटरेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो वीडियो का जो क्वालिटी होता है आप लोग जब वीडियो आप वहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड पे देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे 8000 kbps मैंने रखा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ कम भी कर सकते हैं, आप चॉइस भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ज़्यादा रखने से क्या है कि पिक्चर की जो ज़्यादा क्वालिटी आप करना चाहते हैं तो उससे क्या है कि आप पीसी पे आपका लोड ज़्यादा पड़ेगा। तो स्पेशली हमने यहाँ पे ऑलरेडी 8000 kbps दिया है कि जो कि एकदम कम्फर्टेबल है, यहाँ पे वीडियो का जो बिटरेट जो होता है वो क्वालिटी पिक्चर्स का बहुत ही अच्छा है, हाई नहीं है, ठीक है। और यहाँ ऑडियो का जो बीट रेट है 160 मैंने यहाँ रखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है, 160 यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं कितना हाई स्क्रीन, लेकिन 160 बेटर देना है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं इनकोडर सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे कुछ छेड़ नहीं करना आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाइए रिकॉर्डिंग पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वाई फेस जो डिफिकल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, जो है आपके सामने है, ठीक है। रिकॉर्डिंग में आप यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी जो आपका जो फोल्डर है यहाँ पे लिखा हुआ यूजर मथुरा सिंह हैच पब्लिक वीडियोस लिखा हुआ है, तो यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्वालिटी होगा आपका, ठीक है, सेम एज स्ट्रीम, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो वीडियो जो बैटरीट मैंने स्ट्रीमिंग मैंने किया था, इसलिए मैंने यहाँ स्ट्रीमिंग ऑप्शन यहाँ पे किया है। हाई क्वालिटी मीडियम आप लोग मत सेलेक्ट कीजिएगा, जो चीज़ यहाँ पे स्ट्रीमिंग मैंने ऑलरेडी किया था, तो इसलिए आप सेम एज स्ट्रीमिंग या फिर इसमें मत सेलेक्ट कीजिएगा। अब रिकॉर्डिंग फॉर्मेट आप किस तरह का आप चाहते हैं, MP में, MKV में चाहते हैं, MP3 में चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी MP4 में किया, इसमें सब वीडियो आपका जो भी होंगे डाउनलोड आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखो सब मिक्सर सेटिंग है, इस पर भी आप कुछ नहीं करना है, ये तो मैंने एक बता दिया। फिर आपको चलते हैं यहाँ पे ऑलरेडी
ये तो पूरा बेसिक नॉलेज था जो मैंने आपको बताया। तो अभी चलते हैं मेन मुद्दे पे, आप चलते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पहले चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई ऑप्शन एक यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। यहाँ देखिए अप्लाई एक ऑप्शन यहाँ पे दिया, नीचे आइएगा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अप्लाई ऑप्शन दिया, यहाँ पे ओके कर देना, आपको कुछ नहीं सिंपली आपको करना है, ठीक है। और मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखिए अप्लाई ऑप्शन यहाँ पे ओके करेंगे, आपका सिलेक्ट हो जाएगा सिंपली सा, ठीक है। अप्लाई यहाँ ओके कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपको चलता हूँ, फिर आपको मैं ले चलता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप आ जाइएगा स्क्रीन पे, ठीक है। स्क्रीन तो आपको करना नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे सब चीज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है सोर्सेस, ठीक है। सोर्सेस में क्या है कि यहाँ एक प्लस मार्क आपका यहाँ पे देखिए का एड का आएगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ डिस्प्ले कैप्चर में आपको जाना है, ठीक है। यहाँ देखिए डिस्प्ले कैप्चर पे आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ आप जो क्रेडिट योर फाइल नेम, ठीक है, अपना यहाँ फाइल नेम आप लोग दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। किसी को कोई भी अपना फाइल नेम दे सकते हैं, मैं वन फाइल अपना नाम देता हूँ कोई भी, ठीक है। इस फाइल में आपका जो है वीडियो आपका क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ पे ओके आपके क्लिक कर दीजिएगा, तो आपके सामने ये जो प्रॉपर्टीज आपका फाइल यहाँ पे ऑलरेडी वन पे आप सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको जो डिस्प्ले यहाँ पे देखिए प्रीमियम मॉनिटर में आपका सेव हो गया, ठीक है। ऑटोमेटिक आपको इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ ओके कर देना, ये आपका चलेगा, ठीक है। तो दूसरा बात बता रहे फिर, जैसे कि इसमें क्या है कि सिर्फ आपका डिस्प्ले आपका जो कैप्चर का आपका आएगा पूरा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए इस टाइप का है कैप्चर आपके सामने। ये देखिए सिम को जहाँ मैं जहाँ पर देखिए डिस्प्ले आपका कैप्चर करना है, ये देखिए आपके सामने पूरा ही अच्छी तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना चाहता हूँ, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ फिर प्लस में जाइएगा, फिर एक आता है कि आप सिंगल आपको विंडो कैप्चर आपको करना है, ठीक है। तो विंडो कैप्चर में यहाँ पे जैसे यहाँ है, मैंने यहाँ ओके कर दिया, ठीक है। विंडो कैप्चर और सिर्फ सिंगली आपका जैसे कोई गेम वो यूज करते हैं तो वहाँ आपका विंडो कैप्चर इस तरह का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी देखिए यहाँ पे आप विंडो में आप अपना दे सकते हैं कैप्चर मेथड, ऑटोमेटिक यहाँ रहने दीजिएगा। विंडो मैच अप या प्रियोरिटी आप दिया हुआ यहाँ पे अपना फाइल, अपना अदर फाइल नेम यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये भी मैंने आपको बता दिया, सिंपली आपको ईजी है ये भी। इसको देखिए बड़ा जूम भी आप कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे खींच के, ये देखिए और बड़ा भी आप कर सकते हैं, जितना चाहे आप मैनेज आप लोग कर सकते हैं इसको ईजिली वे में कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसको मैं स्क्रीन को यहाँ पे आप ले सकता हूँ, तो बहुत ही फुल स्क्रीन कर दिया मैंने, फुल स्क्रीन में ये देखिए आ गया पूरा ही डिस्प्ले आपके लिए। तो अब चलिए आपको बताना चाहता हूँ ऑडियो मिक्सर के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ऑडियो मिक्सर में क्या है कि यहाँ पे जो डॉट डॉट विंडो है ना यहाँ पे लिखा हुआ आपका, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ ऑडियो पे क्लिक करें, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी सेक्शन में आप जाइएगा यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर्टी सेक्शन में आप यहाँ पे जाइएगा तो स्पीकर हाई डिफेंस ऑडियो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ अपना जो भी आप स्पीकर है यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे यूज योर डिवाइस लेके यहाँ पे ओके आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा है यहाँ पे आपको माइक आपको सेट करना था, या फिर सेम प्रॉपर्टी में यहाँ पे जाइए क्लिक, यहाँ अपना माइक्रोफोन जो आप नव यूज करके यहाँ पे सिलेक्ट ओके कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही, और फिर उसके बाद बताता हूँ आपको जैसे रिकॉर्डिंग आपको स्टार्ट करना है वीडियो, तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे लिखा होगा आपका लास्ट कंट्रोल लिखा हुआ ना स्क्रीन के सामने, यहाँ पे कंट्रोल है, यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो यहाँ कैप्चर आपका ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पीसी में स्क्रीन रिकॉर्डर कैसे आप लोग कर सकते हैं, और स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डर डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। तो आप भी अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पर वीडियो बताए हुए तरीकों को आप स्क्रीन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और हमें नीचे हुए कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद बंदे।